टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है ग्लो एंड लवली फेस वॉश। जी हाँ, काफी लोगों को लग रहा होगा कि इसका नाम तो फेयर एंड लवली था, ग्लो एंड लवली कैसे हो गया, क्योंकि जो लोग भी ये बात बोलते हैं ना कि गोरा कैसे होना है, ये कैसे होना है, ये सिर्फ उनके लिए ही जवाब है कि देखिए सिर्फ गोरा होना ही सुंदरता नहीं होती है। ठीक है, पहले फेयर एंड लवली था, अब कर दिया ग्लो एंड लवली। आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए, सुंदर होने के लिए आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, अपने चेहरे का ध्यान रखिए, तभी आप जाके सुंदर लगेंगे। ठीक है, सिर्फ गोरा होना ही सुंदर नहीं होता, आप हर कलर में ब्यूटीफुल है, बस अपने चेहरे का ध्यान रखिए। तो आज हम ग्लो एंड लवली फेस वॉश के बारे में बात करेंगे कि ये किस स्किन टाइप के लिए है, क्या आपको ये यूज करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है, और फिर इसका जो भी बातें हम सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप ग्लो एंड लवली फेस वॉश यूज करने का सोच रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दें, इसलिए स्किप मत करिएगा। ठीक है, एंड सॉरी अगर मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आ रही है, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियोज बनाने के लिए, ताकि आप कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और पैकेजिंग की, और ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेजोन की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहां पे सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस है 119 रुपीज, और इसकी क्वांटिटी 100 ml आपको मिलेगा अमेजोन पे। 100 ml के हिसाब, मतलब 190 रुपीज के हिसाब से 100 ml बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वांटिटी दी गई है, और आपको ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं, आप थोड़ा सा ही लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से ना आपके फेस पे यूज हो जाएगा। फेस वॉश कितना ही लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अमेजोन पे मिलेगा और 100 ग्राम्स का मिलेगा। और जहां तक बात है इसके पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग काफी ज्यादा सेफ है। जी हाँ, पिंक एंड व्हाइट कलर का ये आता है पैकेट में, और पैकेजिंग इसके जैसे नॉर्मल फेस वॉश की पैकेजिंग होती है वैसे ही है, इजी टू कैरी है। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बॉटल फूट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पैकेजिंग है, अच्छी है, सेफ पैकेजिंग है, इजी टू कैरी है, इजी टू यू नो स्टोर है, आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और प्राइस भी इसका ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा कहती हूँ प्राइस जरूर देखें, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स जान लें कि प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, कि अगर इंग्रेडिएंट्स सही है तो फिर हमारे फेस के लिए सही है या नहीं, उसी हिसाब से हम प्राइस देकर प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। आपको लग रहा है इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके यू नो चेहरे के लिए खराब है, तो प्लीज़ इसको यू नो आप यूज़ करने से पहले विचार कर लें, और सेफ है ये प्रोडक्ट, वैसा कुछ है नहीं इसमें, अगर है तो देख लें, आपको ऐसा लग रहा है तो। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली फेमस है कि आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देता है, हाँ, ब्राइट ग्लोइंग स्किन बनाता है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली कहने का मतलब है तुरंत ही, जैसे ही आप फेस वॉश करके आएंगे आपका फेस बिल्कुल ब्राइट और ग्लोइंग लगेगा, ऐसा इस बात से ये प्रोडक्ट फेमस। और ये कहता है कि आपके डर्ट को बहुत अच्छे से आपके फेस से ये क्लीन करेगा। ठीक है, आपका जो भी डर्ट है, आप जब बाहर से आते हैं तब जब आप फेस वॉश करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके डर्ट को ये क्लीन करता है। जी हाँ, डर्ट को हटाता है, और आपके चेहरे में जो भी बैक्टीरिया है उसको भी हटाता है। जी हाँ, और आपके स्किन में जो इम्प्योरिटीज है उसको भी हटाता है। हाँ, और आपके स्किन को डिफेंस करता है। स्किन डिफेंस का मतलब, जिनको नहीं पता, बहुत बहुत इजीली इसको समझना है, मतलब स्किन डिफेंस का मतलब है आपके त्वचा की रक्षा करता है। ठीक है, डर्ट हटाता है, आपके त्वचा की रक्षा करता है, और आपके जितने भी चेहरे में इम्प्योरिटीज है जो कि नहीं होने चाहिए उनको ये हटाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपके चेहरे को क्लीन करता है। अब बात करते हैं हाउ टू यूज, क्या होता है। हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो गलत यूज के कारण गलत इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, तो इस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं ना सुबह और रात में सोने से पहले, तो इसको भी आपको वैसे ही यूज करना है। ठीक है, सुबह लगाना है, रात में लगाना है। ठीक है, आपको इसका ज्यादा क्वांटिटी नहीं, जैसे नॉर्मल फेस वॉश का थोड़ा सा क्वांटिटी आप लेते हैं उसको लीजिए, इसको अच्छे से लीजिए, और आपको इसको अपने चेहरे पर कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना, ताकि आपके जितने भी इम्प्योरिटीज है, डर्ट है, वो बाहर आ जाए। ठीक है, और आपके चेहरे को एक यू नो क्लींजिंग भी मिल जाए। ठीक है, जब हम पार्लर में जाकर क्लींजिंग कराते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, मसाज ही करते हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह हटाते हैं। ठीक है, डार्क स्पॉट्स जो भी आपके वो हटा देंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कम 2 मिनट अपने चेहरे पर रहने देना, अच्छे से साफ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आपको रिंस कर लेना, और हाँ, फेस वॉश करने से पहले आपको अपना फेस गीला कर लेना, या तो आप पानी से करें या तो आप रोज वाटर से करें, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से यूज करें, क्योंकि गलत यूज से कभी कभी गलत इफेक्ट पड़ता है। वैसे इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, पर मैं पर्सनली बताना चाहूंगी कि अगर आपका चेहरा ड्राई है, ठीक है, अगर आपका चेहरा काफी ज्यादा ड्राई है, तो आई डोंट थिंक आपको ये यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे को और ड्राई बना देता है। नॉर्मल स्किन के लिए ठीक है, ऑयली स्किन के लिए ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ठीक है, पर अगर आपका चेहरा ड्राई है तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका चेहरा ड्राई है तो प्लीज आप सोच समझ कर यूज करें। अब बात करते हैं क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो इसका कोई
साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका चेहरा ड्राई है, ठीक है, यू नो ड्राई हो जाता है आपका चेहरा, तो आपके लिए फेस वॉश नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक प्रिकॉशन दे रही हूँ कि अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसको यूज नहीं करें, ठीक है। और जो लोग फेयर एंड लवली यूज करते हैं, उनको पता है कि फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट यू नो किस टेक्सचर में आते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो फेयर एंड लवली के यूजर्स हैं, रह चुके हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, अगर आपको फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट पसंद है तब ये फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो क्या होता है, प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। पर हमें कुछ प्रोडक्ट सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता, और हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। पर मैं नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बस ड्राई स्किन वाले थोड़ा सा बच के रहे, ड्राई स्किन वाले इसको यूज नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका चेहरा थोड़ा ड्राई लगने लगे, ठीक है। ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है, और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है, क्या इसके बारे में जो भी बातें मार्केट में चल रही है, क्या वो सारी बातें सच है या फिर सारी अफवाह है, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट काम करता है, आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देता है, ठीक है। आपका चेहरा जब आप वॉश करके आएंगे फेस, तो आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा ग्लो सा आएगा आपके चेहरे पर, ठीक है। और आपके चेहरे का शेड लाइट लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे चेहरे का शेड थोड़ा सा लाइट हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी यू नो रेसिज्म नहीं फैला रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ इससे जो होता है, ठीक है। आपका चेहरा थोड़ा ग्लो लगेगा, आपका चेहरा थोड़ा सा लाइट लगने लगेगा, एक ग्लो जैसा लगेगा जी। और ये प्रोडक्ट आपके चेहरे से जो डलनेस है ना, उसको क्लियर करता है, बिल्कुल हटा देता है, खत्म करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आप जब इसको यूज करेंगे, आपके डर्ट और इम्प्यूरिटीज को बहुत अच्छे से ये हटाता है, जी हाँ। और आप जब इसको यूज करेंगे ना, आपको एक बहुत अच्छा सा फ्रेश फीलिंग आएगा, बहुत अच्छा वाइब आएगा, क्योंकि कुछ कुछ फेस वॉशेस होते हैं ना, इसको यूज करने के बाद भी आपको लगता है कि फेस वॉश किया कि नहीं किया, फिर कुछ कुछ को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा चेहरा ड्राई लगता है। तो ड्राई स्किन वालों के साथ ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ड्राई लगे, पर नॉर्मल स्किन कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बस यही था मेरा रिव्यू ग्लो एंड लवली फेस वॉश के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे आपको कभी भी फेक रिव्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं फेक रिव्यू नहीं देती हूँ। किसी के स्किन के साथ कुछ खराब हो जाए उससे मुझे क्या ही फायदा होगा, हाँ, तो फेक रिव्यू मैं नहीं देती हूँ। पर हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपना स्किन टाइप जान लें, अगर कोई प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको डाउट या फिर डाउट नहीं भी है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, और अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं पूछ सकते हैं, आप बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप फीस नहीं देना चाहते, तो प्लीज अपना पैच टेस्ट कर लें, ठीक है, अपना स्किन टाइप जान लें, तभी जाकर कोई प्रोडक्ट ले। अगर आपका स्किन में कोई हिस्ट्री रह चुकी है तो प्लीज पता कर लें, तभी जाकर कोई प्रोडक्ट ले, ठीक है, ऐसा ही कोई प्रोडक्ट नहीं ले, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ऑनेस्टली जीना इसी का नाम है।